इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपके ओप्पो मोबाइल फ़ोन में कॉल आने पर आपके फ़ोन में रिंगटोन नहीं बज रहा है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। इसके लिए आपको जाना है अपने ओप्पो मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में, और सेटिंग में जाकर यहाँ पर आपको आना है नीचे। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये दिख लेना है कि आपके फ़ोन में ये साइलेंट मोड वाला सेटिंग ऑन तो नहीं है, और अगर आपके फ़ोन में ये साइलेंट मोड वाला सेटिंग इस तरीके से ऑन है तो आपको यहाँ पर क्लिक करके दोस्तों इस सेटिंग को देना है बंद कर। और उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ क्या देखना है कि आपका ये जो रिंगटोन का वॉल्यूम है, ये दोस्तों कहीं आपका रिंगटोन का वॉल्यूम पूरा कम तो दोस्तों नहीं है, या फिर दोस्तों इतना पर तो नहीं है। अगर आपका रिंगटोन का वॉल्यूम कम है तो आप इसको दीजिए बिल्कुल फुल कर। तो आपको रिंगटोन वॉल्यूम को फुल कर देना है। सबसे पहले दो सेटिंग आपको यहाँ पर कर देना है, उसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल फोन पर कॉल आता है तो रिंगटोन बजना शुरू हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए इतने के बाद भी नहीं बज रहा है, तब देखिए आपको क्या करना है, आपको बैक आना है और आपको अपने ओप्पो मोबाइल फोन में एक ऑप्शन मिल जाएगा डू नॉट डिस्टर्ब का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और देखिए आपके फ़ोन में दोस्तों हो सकता है ये जो डू नॉट डिस्टर्ब वाला सेटिंग हो ये इनेबल हो, जैसे आप देख सकते हैं मेरा इनेबल है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करके इस सेटिंग को देना है बंद कर। तो जब आप ये सेटिंग देंगे कर, तो जब आप ये तीन सेटिंग कर देंगे उसके बाद कॉल आने पर आपके फ़ोन में निश्चित तौर पर रिंगटोन बजेगा। इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं ओप्पो के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।